नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार। आज जो हमारे साथ एक शख्स हैं, इनकी पूरी कहानी अगर आप कहें कि फिल्मी है तो आपको पूरा इनकी पूरी कहानी फिल्मी लगेगी। गांव से निकला हुआ एक व्यक्ति जो पहले एक छोटे से जगह का रिपोर्टर हुआ करता था। कुछ खबरें ऐसी छप गई कि लोग नाराज हो गए और जो क्षेत्र जहाँ से ये रिपोर्टिंग करते थे वो नक्सल अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र यानी कि चुरचू हजारीबाग का वो इलाका था। ये आदमी यहाँ से उठकर नौकरी की तलाश में चेन्नई जाते हैं और फिर वहाँ से विदेश चले जाते हैं और वहाँ पे इन्होंने अपना रेस्टोरेंट का चेन खोला। तो ये पूरी कहानी आपको फिल्मी लगी होगी। कौन है वो, आइए उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ हैं चंद्रदेव जी। चंद्रदेव जी, ये सफ़र आखिर कैसे हुआ? चेन्नई तक तो हमने कहानी बता दी कि आप यहाँ से कैसे गए और अब वहाँ पे क्या क्या सेटअप किया आपने? चेन्नई में हम एक कंपनी में ज्वाइन किए जिनका नाम था ओरिएंटल क्विजिन प्राइवेट लिमिटेड। उनके साथ हम काम करने लगे एज ए वेटर। वेटर में काम करते करते उन्होंने 6 महीने तक हम काम किए तो उन्होंने एक चैन लिया था कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट, जिनका फ्रेंचाइज था जो कैलाश सिंगापुर में बन के रेडी था, उनको ओपन करना था। तो वहाँ से बोले कि भाई जाओ आप लोग। तो हम लोग 6-7 लोग टूरिस्ट वीज़ा पे सिंगापुर जाते हैं। फिर टूरिस्ट वीज़ा में काम किए हम लोग 2 महीना, जो अनलीगल था, नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पास हमारा निकाला 2 साल का और हम काम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 महीना होते होते हमें अंदर इतना जुनून हो गया कि हमको खुद का बिजनेस वहाँ सेटअप करना है। तो सेटअप करने में से गेस्ट आया करते थे रोज़ खाने के लिए, तो उन्होंने हमें वो रास्ता दिखाया कि भाई मेरे पास 2 रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट में तू आ जा। तो उसका रेस्टोरेंट का दाम उन्होंने $100 मिलियन रखा। तो मतलब चलो भाई करते हैं कुछ जुगाड़, मतलब तू 50 लाख भी अभी दे दे, मैं तेरा 50% का पार्टनर दे देता हूँ। तो उस टाइम पे मेरे पास पैसा था नहीं, सिर्फ 6 लाख रुपये हम जमा कर पाए। 6 लाख उसके हाथ में दिए, उन्होंने 50% का शेयर पार्टनर हमको दे दिए। और जब दिए वो रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा था और हमको पर मंथ इंडियन रुपीज में 2.5 लाख रुपये का प्रॉफिट स्टार्ट हो गया हमको मिलना। अभी अभी कितना विस्तार कर लिया, अभी कितना आपका रेस्टोरेंट है वहाँ पे? हमारा चार रेस्टोरेंट हैं, सभी सिंगापुर में है। सारा सिंगापुर में है। 2 तंदूरी कल्चर है, 1 बुनतात स्ट्रीट, 1 हिल व्यू और 1 तंदूरी जायका है जो बोर्ड की, जो बहुत अच्छा टूरिस्ट पैलेस है वहाँ पे है, और 1 सलाम बॉम्बे है बोना विस्ता में। तो केवल सिंगापुर में ही अभी आपने इसको रखा है कि और भी बढ़ाने का कोशिश किया था? मैंने बैंकॉक खोला था पर किसी कारण बस अच्छा वो सेट डाउन हो गया। तो क्या अब क्या चाहते हैं? अब तो आपने कहाँ चुरचू हजारीबाग का, कहाँ सिंगापुर, वहाँ भी बिजनेस पूरी तरह से एस्टेब्लिश, अब क्या चाहते हैं? अब अभी हम सिंगापुर में 4 ब्रांच और करेंगे, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि दुनिया में ऐसा एक एक रेस्टोरेंट हमारा इंडियन क्विजिन सब जगह पे जाए, हर एक कंट्री में हमारा एक रेस्टोरेंट हो और हमारा खुद का ब्रांड हो। इससे हजारीबाग को कुछ फ़ायदा होगा या देश को? क्या क्या कर रहे हैं? हमारे इंडियन लोग को ही हम लेते हैं, खाना बनाने वाले इंडियन होते हैं, हमारे अकाउंट्स हमारे इंडियन वाले ही देखते हैं, वो सारा काम हम इंडिया, कोशिश करते हैं कि इंडिया लोग को हम ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे क्या स्थिति है वहाँ, कितने लोगों पर एक इंडियन को रख सकते हैं? पहले 7 था, फिर गवर्नमेंट ने वहाँ 7 पे 1 किया, 7 लोग सिंगापुरियन, देन 1 इंडियन जो इंडियन रहे, फिर 9 किए उन्होंने, 9 लोकल 1 इंडियन। तो अभी चेंज हुआ, फिर से 7 और 1 पे चल रहा है। घर वाले कुछ कहते नहीं हैं कि अब तुम विदेश के हो गए तो कैसे? नहीं, हम अपने आप को ढाल लेते हैं। हम यदि हजारीबाग में हैं तो कोई हमको बोल नहीं सकता कि हम सिंगापुर में बिजनेस करते हैं, और हम बिजनेस सिंगापुर में करते हैं तो हजारीबाग में कोई नहीं बोल सकता कि ये बिजनेस सिंगापुर वाला हो, हमको साउथ वाला बोलता है सब वहाँ। तो वहाँ आप साउथ इंडियन टाइप के हो जाते हैं। अब क्या विचार है? ये तो हो गया कि आप सब जगह खोलेंगे, परिवार सब यहीं पे है, तो कैसे अब इन लोग वहाँ पर ले जाएंगे? कि सिंगापुर में हमें सबको सेटलमेंट करना है, मतलब घर, अभी हम रेंट पे वहाँ रह रहे हैं, गाड़ी सब रेंट पे है, तो हम घर खरीदने खुद का, फिर अपने भी बच्चों को सबको वहीं लेके रखेंगे। अच्छा, एक नक्सल थ्रेट झेला हुआ व्यक्ति, संपादक का कहर झेला हुआ एक व्यक्ति विदेश चला गया और जब आप यहाँ से निकले तो आपके जेब में मुश्किल से 1000 रुपये भी नहीं थे, 1.5 हज़ार रुपये थे जो आप चेन्नई पहुँचे। आज कितने पैसे का मालिक है इन 10 वर्षों में? हाँ, सिंगापुर में हम नहीं भी तो होंगे तो 1-1.5 करोड़ का तो होगा ही हमारा अपना खुद का इन्वेस्टमेंट, प्लस इंडिया में भी कुछ अच्छा खासा है,
कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? नहीं, कुछ कहना नहीं चाहेंगे, पर कोशिश करना चाहते हैं कि जो यहाँ बैठे हैं उनको भी थोड़ा हाथ पांव मारना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, बाहर की दुनिया से आके इंडिया में कुछ करें फिर बहुत अच्छा है। इंडियन के लोग को भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके काम करना। हम सिंगापुर में 7 लाख इंडियन लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम अकेला पढ़े हुए वहाँ पर, 7 लाख इंडियन हैं, सब बिजनेस बढ़िया, सब काम कर रहे हैं। तो ये चंद्रदेव थे, इनको आपने सुना कितना बेहतर तरीके से, ये जिनको नक्सलियों ने थ्रेट दिया हो उसके बाद ये बाहर जाते हैं और एक साम्राज्य कह सकते हैं कि होटल का साम्राज्य इन्होंने विदेश में जाकर स्थापित किया, लेकिन आज भी जो देसीपन है वो इनका बरकरार है और आज भी लगता है कि हजारीबाग के हमारे जो अपने लोग हैं उस तरह से बातें करते हैं। विस्मय अलंकार लगातार .in के लिए। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।